दोस्तों, जब आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, आपको जो है पासवर्ड में क्या डालना होता है, किस तरह से आपको जो है अपना PDF पासवर्ड को जो है ओपन करना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो आपको जो है मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, यदि आप ईमेल आईडी के द्वारा अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जैसे कि आप लिखा देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा योर अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है स्टेटमेंट डाउनलोड किया है मैंने, तो यहाँ पर वो जो है PDF पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखा है उस PDF को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है आपको। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है PDF है मेरे बैंक स्टेटमेंट का जो मैंने अभी जो है डाउनलोड किया है। अब इस PDF को मैं आपको अपने मोबाइल में ओपन करके दिखाऊंगा, आपको इसमें क्या पासवर्ड डालना होता है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होता है इस डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करके। तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस PDF को ओपन करने के लिए आपको PDF पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं दिस फाइल इज प्रोटेक्ट, यानी कि ये फाइल जो है एक सिक्योर फाइल है और इसके लिए आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड में क्या डालना है जिससे आप अपने इस PDF को जो है ओपन करके देख पाएँ और अपने सारे के सारा जो है बैंक स्टेटमेंट आप देख पाएँ, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड में क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर डाल देना है, वो वाला मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में जो है लिंक है, आपने जो है ऐड करवा रखा है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरह से देख पाएंगे अपना जो है मेरा जो है बैंक स्टेटमेंट का PDF ओपन हो गया है और यहाँ पर अब मैं अपना सारा का सारा स्टेटमेंट जो है चेक कर पाऊँगा। तो इस तरह से आप अपने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट PDF का पासवर्ड डाल करके ओपन कर सकते हैं और अपने सारे के सारे जो है बैंक के स्टेटमेंट की डिटेल्स आप जान सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।